हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इस सीरीज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन से। आज का हमारा सवाल है, हाउ टू इंप्लीमेंट वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन फंक्शन, यानी पाइथन फंक्शन में हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कई लोगों को ये बात हो सकता है ना पता हो, तो मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूं ताकि आप प्रॉपर आंसर कर सकें, विथ एग्जाम्पल आप आंसर कर सकें। तो देखिए, मैं कोडिंग करके बता रहा हूं आपको न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है और यहां से आप साइन अप कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो। और ये फिर आपको एक प्लेग्राउंड मिलता है जहां पर आपके पास एक ऐसा जेनरिक आईडी है जिसमें आप ऑनलाइन रहते हुए अपना कोड भी लिख सकते हैं और यहीं पर रन करके देख सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। यहाँ पर मैंने पाइथन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैं कोडिंग कर सकता हूँ। तो कितना अच्छा है ना, हमें अपने कंप्यूटर पर सेटअप नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर हम करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सबसे पहले समझिए कि अगर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मुझे तीन नंबर्स का एवरेज निकालने का एक फंक्शन बनाना हो तो मैं किस तरीके से कोडिंग करूंगा। मैं सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, एवरेज नाम रख लेते हैं एवरेज, और सपोज करिए इसमें मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए ए बी सी, और एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों को मैं सम करूंगा। पहले मैं ए वी जी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं और उसके अंदर मैं तीनों का सम करता हूं ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग थ्री से, तो एवरेज आ जाएगा तीन नंबर्स का। इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट यहां पे लिख देता हूं एवरेज इज, और उसके बाद फिर प्रिंट करा देता हूं एवीजी की वैल्यू। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट आएगा। मैं इसको कॉल भी कर लेता हूं, मैंने इसको कॉल किया एवरेज, और तीन नंबर्स प्रोवाइड कर रहा हूं 10, 15 और 18, तीन नंबर्स मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिए। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आप देखिएगा कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। यस, इसका आउटपुट आ रहा है 14.33, राइट, बिल्कुल सही है। अब मैं चाहता हूं कि तीन ही नंबर का क्यों, मैं चार नंबर्स का एवरेज निकाल सकूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां कोडिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। पांच नंबर का भी एवरेज निकाल सकूं तो फिर मुझे फंक्शन फिर से नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम यह हो रही है कि यहां पर आर्ग्यूमेंट की संख्या फिक्स है, तीन ही आर्ग्यूमेंट यहां पे वो ले पा रहा है, और अगर मैं चार वेरिएबल्स बना दूं ए बी सी डी तो फिर वो चार ही आर्ग्यूमेंट ले पाएगा। पर हम चाहते हैं कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकें और तब भी ये सही एवरेज निकाल के बता दे। अब ये कैसे होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर तीन चार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यहां पर बनाने वाला हूं सिर्फ एक वेरिएबल, और उसको बनाते वक्त मैं एस्ट्रिक सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। ये जो स्टार सिंबल मैंने लगा दिया है ना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस तरीके से जब आप यहां पर वेरिएबल बनाते हैं तो यह कहलाता है टपल। अब जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आ रही होंगी एज एन आर्ग्यूमेंट, चाहे वो तीन आर्ग्यूमेंट आए, चाहे पांच आए, चाहे दस आए, चाहे पचास आए, ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टपल टी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। यस, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मुझे एवरेज निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा सम, और हम जानते हैं कि बिल्ट इन मैथड होता है सम, जिसमें मैं ये टपल पास कर दूंगा तो क्या होगा, टपल के सारे एलिमेंट्स का सम हो जाएगा और नीचे इसकी लेंथ, यानी टपल की जो लेंथ है जिसमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उससे डिवाइड कर देता हूं, बस ये एवरेज आ गया। अब देखिए कि मैं तीन नंबर्स का भी एवरेज निकाल सकता हूं, तीन से ज्यादा भी, तो मैं यहां पर एक से ज्यादा बार फंक्शन को कॉल करता हूं एवरेज, मैं यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे वैल्यूज पास कर देता हूं, या एवरेज, ठीक है, मैं यहां पर पास कर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, ओके ओके 12, या कॉमा नहीं लगा है, ये कॉमा लगा लिया, ओके मैंने 12 वैल्यूज इसमें पास कर दी। आप देख रहे हैं मैंने तीन बार एवरेज फंक्शन को कॉल किया है, देखें क्या होता है, ये तीन रिजल्ट देना चाहिए इसको, बिल्कुल सही है, तीनों रिजल्ट दे रहा है, परफेक्टली रिजल्ट दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए इस अनाउंसमेंट को।
न्यूटन स्कूल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अभी 15-16 अगस्त 2020 को एक इवेंट वो लेकर आ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं करियर लॉन्च पैड। इस इवेंट में गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, फ्लिपकार्ट से, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज से लोग आ रहे हैं आपको गाइड करने कि कैसे इन बड़ी बड़ी कंपनीज में एंट्री ली जाती है। इसकी जानकारी वो आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ इस इवेंट में आपको पायथन की वर्कशॉप अटेंड करने का मौका भी मिलेगा और आप एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें आप जीत सकते हैं कैश प्राइज और साथ में मिलेंगे सर्टिफिकेट्स। दोस्तों, इस इवेंट में मैं भी रहूंगा, आप मुझे भी सुन सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें मैं भी आपको बताऊंगा। अब अगर आपको लग रहा है कि इवेंट बहुत धमाकेदार होने वाला है, इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो आप जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए इस इवेंट के लिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया है, आप उसको चेकआउट करिए, रजिस्टर करिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक तो करिए, साथ में जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार और भी इस तरह के वीडियोस आपके सामने मैं लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, गुड बाय।